एक्सक्यूज मी, भावना भट्ट। अरे अभी नहीं भाई, बाबा बिजी है। भद्रेश भैया वो डॉक्टर लग रहे हैं। जी जी, मैं डॉक्टर त्रिपाठी, आर्थोपेडिक सर्जन। अरे आओ आओ, इधर आओ मैन। आइए प्लीज, जल्दी आइए डॉक्टर साहब, प्लीज आइए जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मारो नाम मुरलीधर ओझा। ए ओ हीरो, फॉर्म बाद में वहां भरो, चलो जाओ। पैरवी टेक ओवर, जाओ जाओ जल्दी। आई आई इनके कितने बच्चे हैं? एक। जरा अपना हाथ दिखाइए मिसेस भट्ट। ये आपका हाथ देख के आपको भविष्य बताएंगे क्या? आप ये पेन किलर लीजिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। पानी लगे। डॉक्टर साहब, मुफ्त का सैंपल है के? जी जी। डॉक्टर साहब, ओहो तुम्हारी कमर में भी बहुत दिनों से दर्द रहे है। ठीक हो गया। लगने लगने को और। देखिए आप रिलैक्स कीजिए, ये दवा खा करके आपको बहुत आराम मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको यहाँ भेजा किसने? जी यहाँ बैठकर थोड़ी देर पहले जिसके नाम का जयजयकार कर रहे थे ना, उन्होंने। जी मैं किसी घोटाला फैमिली के रिक्वेस्ट पे यहाँ होम विजिट पर आया हूँ। नहीं नहीं वर्षा, हम क्यों भागे? हमने क्या गलत किया है? पर वसंत, उस खुफिया एजेंसी ने हमारा पता ढूंढ निकाला तो हम यहाँ से गायब हो गए हैं। ये जानने के बाद खुफिया एजेंसी वाले कॉलोनी वालों का जीना हराम कर देंगे। वर्षा, जाने अनजाने में हमने कॉलोनी वालों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, और अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कॉलोनी वालों के साथ रहकर उनकी हिफाजत करें। हाँ, इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और अगर जाना ही है तो हम सीधे अपने ग्रह जाएंगे ना, यहां वहां छुपते क्यों रहे? ग्रह पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम इस खुफिया एजेंसी को संदेश भेजेंगे कि हम हमारे ग्रह पहुंच चुके हैं, ताकि ये खुफिया एजेंसी इन बेचारे कॉलोनी वालों को तो कोई तकलीफ ना दे। पर वसंत, स्पेसशिप आने तक हम करेंगे क्या? हाँ, जो कुछ भी हमें ले जाना था उसकी पैकिंग भी हो चुकी है, अब तो हमें नुसरत ही नुसरत है। इसको भेजते हैं खुफिया एजेंसी में। वो क्या कर रहा है, दो दिन में एजेंसी बंद हो जाएगी, गारंटी के साथ कहता हूँ। नुसरत ही नुसरत क्या होता है, फुर्सत ही फुर्सत है, ऐसे बोलूं। नुसरत साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब तो बहुत बड़े गायक थे, महान गायक। ये एक मशहूर कवाली थी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी, मेरा पिया घर आया ओ लालनी। उस स्कूल में टीचर चिल्लाती ना बच्चों को, ऐसे वो कभी कभी ऐसे लगता था, वो जो बीच में जो आलाप लेते थे ना। मेरा पिया घर आया, तो वो है। क्या कर रहे हैं आप वसंत? पापा, एक बार और, एक बार और। और एक मिनट, हम फुर्सत से बैठने वाले नहीं हैं। शरद, हैना से जाके कह दो कि शुक्रवार को हम उनके साथ लंच करने के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा भैया। क्यों? क्योंकि हैना फिर से कुछ बुरा भला बोल देगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, उससे फिर से झगड़ा कर बैठूंगा, और आना से झगड़ा करके मुझे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है भैया। ताना मारकर मुझे भी खुशी नहीं होती है शरण, इंजन की
बात पे मैं अभी भी नाराज हूँ। लेकिन आंटी भावना के लिए आपने डॉक्टर भेजा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और फ्राइडे लंच के लिए अगर आप सब हमारे साथ आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब तो हंसो पुत्तू। बंजारा होटल पहचाना मारे को? नहीं, कौन है आप? अरे मुरलीधर ओझा। कौन मुरलीधर ओझा? ऊंचा लंबा कद, ऐसे तो 50 लोग। हैंसम फिल्म स्टार जैसा। अमित जी, सनशाइन कॉलोनी की शान। अरे कौन सी सनशाइन कॉलोनी, किधर है वो? घूमर किंग लीला अरुण। अच्छा वो सब जाने दो। देखो हमारी बात सुनो, मारे को 15 लोगों का टेबल बुक करना है। अंकल ओझा, एक मिनट। हाँ भाई, कल दोपहर 1 बजे 15 लोगों के लिए टेबल बुक करना है। लोग आए तो, नहीं तो? नहीं तो क्या? तब आएंगे। हाँ भाई। अंकल ओझा मेरा बात सुनो, इस टाइम का होटल का बिल भद्रेश को ही पे करने को मांगता है मैन। क्या हुआ? मैंने ऐसे ही दोस्ती खाते में भद्रेश को बोला कि इस बार का बिल मैं पे करेगा, तुरंत ओके बोल दिया मैंने। अच्छा लुच्चा बेशरम भद्रेश, मारी तरह थोड़ी। रानी तू रहने दे, मारे को बिल पे करने दे, ऐसी फॉर्मेलिटी भी ना की। तो आप कैसे जेब में हाथ डालते 5 मिनट तक ये दिखाने के लिए कि आप पैसा ढूंढ रहे हैं, वो भी नहीं किया। नाना रानी, वो तो मैं सचमुच ढूंढता हूँ, पर ये है कि मारी मारवाड़ी जेब भरी है ना। तो प्लीज अब मेरी बात सुनिए। मैंने भद्रेश को हवा दिया कि कल बिल कौन भरेगा उसका वास्ते बिल का वो बा। अरे अपना रमेश का 2 बेटी का नाम क्या है? नीला आमी। हाँ, कल बिल कौन भरेगा उसके वास्ते बिल का नीला आमी होगा। नीलामी। हाँ, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा बिल भरने का चांस। के बोला वो काइया गुजराती भद्रेश? वो बोला कि वो बोली 10,000 तक बोलती रहेगा। 10,000 तक? हाँ, और ये भी बोला कि अंकल ओझा अपने ईगो में मारे को ऐसे करके 11,000 तक बोली बोलेंगे। अच्छा? हाँ, और जैसे ही आप 11,000 बोलेंगे वो 10,000 पे अटक जाएगा। अच्छा, राती लोमड़ी भद्रेश। अंकल ओझा अब प्लान सुनिए। आप 9,500 तक बोली बोलना। हाँ। भद्रेश 10,000 बोलेगा, आप रुक जाना, फसेगा भद्रेश। ठीक है? ठीक है। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने इन चारों को। शट अप। पहली बात तो वो 4 नहीं 5 हैं। यू आर राइट सर, लेकिन वहां पे 4 थे और मैंने। सबूत लाइयो। जी सर, मैंने इनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश की और मैंने इन्हें लोड भी कर दिया, ये देखिए। अभी आएगा सर, इसके पीछे देखिए सर। हाँ तो जाओ उसको कहो प्लीज बाजू हटो, आपके पीछे के लिए ना, हमें देखना है उसे। एजेंट एक्स, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो 5 शातिर एलियंस कहां हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। अपनी है ना पावरेज संभाल के रखो। हाँ, संभाल के रखो पावरेज। ओहो वीर जी, कितने बार समझाओ आपको, एक हुआ तो पावरेज, ज्यादा हुए तो पावर सीज।
अरे वो उसी जाऊंगा ओए काके धीरे धीरे तू है ना हाँ he is a very good teacher. अच्छा अब मुंबई के तौर तरीके सीख लो ना बाबूजी ना आपने बहुत सिखा दिया अब आप आराम कीजिए मैं सिखा दूंगा बेस बेस बास्टिंग फास्टिंग मुंबई में लोग धक्का मारने से पहले एक्सक्यूज मी और धक्का मारने के बाद सॉरी सॉरी कहते हैं लग गई लॉटरी अब तो बहुत सारी सुनना पड़ेगा ओए शेरू रानी और कोई भी धक्का मारने पे सॉरी नहीं कहते वो तो जब गलती से धक्का लग जाता है ना तब कहते हैं सॉरी या छींकने पर या खांसने पर या वो डकार देने पर लेकिन बाबूजी डकार लेने पे सॉरी क्यों ओए काके सुना तूने नहीं क्या सवाल पूछा किसी के दिमाग में नहीं आया ये दिमाग है कि क्या है चूमने का मन कर गले मिलो है तो मुझसे आगे जाएगा बाबूजी ना पागल बाबूजी अच्छा सुन तूने सवाल पूछा है तो क्या है वैसे तो डकार मारने पर जी रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से रोटी मिली है सही गल है हां तो फिर अब जैसा देश वैसा भेस अब देखो हम जब यहां गली में से निकलते हैं और कहते हैं ओ बल्लू बाजी कैसे हो और ऐसे डकार देते तो थोड़ी हम सॉरी थोड़ी कहते हैं सही गल है बाबूजी तो आ जाती है भाई वो तो नेचुरल्स है चलो अभी अपनी अपनी तैयारियां शुरू करो मुंबई जाकर घूमना फिरना तो एक बहाना है वहां जाके हमें क्या हासिल करना है ये मत भूलना इसीलिए कह रहा हूं अपने अपने पावर से संभाल के रखना मिलकर प्लानिंग्स करते हैं ओए काके कैसी है अंग्रेजी ओहो वेरी गुड सुवीर जी वेरी गुड यू सेड इट इंग्लिश वेरी वेल ओए शरो रानी ओए क्या ओए हां मम्मी देख हम लोग बंबई जा रहे हैं तो ये सब्जी पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी तू रख ले अरे शेरू नहीं 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 अरे रख ना 55 रुपया दे देना क्या 55 रुपए वाह जी वाह एक तो तेरा सामान लू ऊपर से तुझे 55 रुपए दू अब समझ में आई गांव के मुखिया बिल्कुल सही कहते हैं कि गांव की सबसे अजीब फैमिली है बेबी पंजाबी की फैमिली ये रख तेरा सामान तेरा ससुर दूसरी सांस ले आए अरे ठंड रख बेबे ठंड रख तेरे परांदे से रेशम झड़े और सुती जा तेरी तंदूरी मुर्गी उड़ जाए बेबे पकी हुई तंदूरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है ओए शेरो मेरी रानी ओए देख तू ऐसा करेगी ना तो बंबई के लोगों को भी लगेगा कि हमारी फैमिली बड़ी अजीब है और फिर हम जो है हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे तू ठहरी औरत जात पता है मेरे बाबूजी क्या कहा करते थे याद नहीं आ रहा है वो क्या कहा करते थे लेकिन करो ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से हमारी मंजिल हमसे दूर चली जाए बस समझ गए देखा यस सर लेकिन दिल्ली के हमारे एजेंट ने इन्हें हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है सुना नहीं वो खुद मुंबई आ रहे हैं शुक्रवार दोपहर 1 बजे अंधेरी शॉपिंग सेंटर के सामने उनकी बस रुकी और हम इन्हें बहका कर ट्रैप करके यहां लेकर आए मतलब हम जिनके हमशक्ल है वो मुंबई आ रहे हैं और ये खुफिया इंसान उन बेचारों को पकड़ने वाले हैं। पापा मम्मी सारे चाचा शिशी क्या क्या पापा आपको पता है मैंने क्या सुना नहीं 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 कुछ कुछ तुमने सुना नहीं है सब कुछ नॉर्मल है तेरे इश्तियार नहीं सुनने अभी नहीं पापा एक मिनट हमें बावरे बंजारे पंजाबी होटल में जाना है खाना खाने तो थोड़ी पंजाबी सीख लो लेकिन पापा पंजाबी तो क्या ये कर रहे हो पंजाबी सीखो आती है पंजाबी किसी को नहीं आती है शिशिर देख ये देखिए
शेरो, शेरो, ओ शेरो, चल चल छेती कर। ओए बंबई जाने से पहले रब को याद करते हैं। चलो ये टोनी जो है अभी तक दांत ही तोड़ रहा है पहलवान। टोनी चलो आया बाबूजी आया, बस एक ही दांत बचा है। ओ काके, ओ पाजी, ओ सत्रिय काल पकड़ बेटा। अरे अलीजा मुरली भाई, हेलो हेलो, एक बजे की बुकिंग है, होटल पहुंचते पहुंचते ही डेढ़ बज जाएंगे। फिक्र मत कीजिए बा, मैंने अपनी घड़ी आधा घंटा पीछे कर दी है, एक बजे पहुंच जाएंगे। तेरी किटे था था। अच्छा तो तेरी घड़ी तीन घंटे पीछे कर देती तो हम दस बजे पहुंच जाते। बा होटल दस बजे बंद होती, हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता, होटल ग्यारह बजे खुलती है। आप भी ना कुछ सोच समझ के बोला करिए बा। सॉरी हाँ छकुड़ी। बा आप छोटी छोटी बातों पे सॉरी मत बोला करिए, गलती किस इंसान से नहीं होती है, है ना? हाँ बाबा से हुई है ना। डाला दोस्त का तपला पप्पा पे, डाइसा से जाए नहीं अने गांडीन सिखा मोड़ा पे। अबे ओ बड़बड़ जाके घोटालों को बाहर निकाल, उल्टे घूम के हाफ राउंड कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे क्या बाबा? हाँ बा। आजकल तो बहुत मेहनत करवाती है मुझसे, फ्रिज खोल के गजरा निकालना पड़ा। थक गया होगा है ना? तो ये ले चकुड़ी गजरा डाल दे। पर भाई ये तो अच्छा है। अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ। कचरे में डालने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे सर में डाल दे। एक ही तो बात है, कचरे में डालो या आपके सर में। तो बराबर। तो काका मुरली होटल के लिए तैयार? एकदम बिल्कुल तुम्हारी तरह, सुबह से खाने की एक भी चीज को दिन का पहला है भाई। अरे बोल ले। ओ रैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहा। हाँ खाने की एक भी चीज को नहीं चूहा। ओहो हाँ तो वसूल करेंगे ना होटल में, बिल मैं जो भरने वाला हूँ। अरे जा जा, तू क्या बिल भरेगा? बिल की तो नीलामी होने वाली है, सबसे ऊंची बोली मैं लगाऊंगा मैं। ओ काका मुरली चैलेंज देता हूँ इस बात पे चैलेंज, मुझसे ज्यादा बोली बोल के तो दिखाओ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, दिखी तो नहीं तो फालतू बात बाद में। घोटाला कंपनी अंदर बुला रही है, कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो आइए आइए। हुआ शिशि घोटाला, आइए आइए। ओहो आइए 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 आइए, बोलो बैठिए ना। अरे बैठिए, बैठो भाई बैठो। अरे बोलो पापा। एक मिनट, आप लोगों से कुछ कहना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.